के मन में यह है कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका फॉर्म कब आएगा, है ना, क्या ये रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका फिजिकल कब होगा, इसी सब के बारे में बहुत संक्षेप में आज मैं आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं इसका कि वैकेंसी हम लोगों की जून में आ जाएगी और लगभग लगभग 10 जून तक आप समझ लीजिए कि वैकेंसी गजट हो जाएगी। बहुत अधिकतम होगी तो 10 जून तक वैकेंसी गजट हो जाएगी। तो फॉर्म की डेट आप मान लीजिए कि 10 जून से 15 जून के बीच में आपके फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। 10 जून से 15 जून के बीच में फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि जब बजट आ गया है तो बजट आने के बाद प्रत्येक जो बोर्ड है, प्रत्येक जो संस्था है वो एक्टिव हो चुकी है ना, बजट आने के बाद। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए तुरंत आप समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म 10 से 15 जून के बीच में शुरू हो जाएगा। अक्टूबर का मध्य आपकी एग्जाम डेट है। आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखो बेटा, अभी एज रिलैक्सेशन के बारे में पहले जल्दी कुछ कहना मतलब गलत होगा, तुरंत तुरंत कुछ कहना सही नहीं होगा एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो फॉर्म आने की एक बार देरी है तो फॉर्म एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन का क्या प्रयास हम लोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से एज रिलैक्सेशन पर आप लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मेल कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 22 हो गया है ना, और फीमेल कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी एज रिलैक्सेशन है आपका, ये आपकी अभी जो है एज है, और इसके बाद बाकी जो चीजें होती हैं उस पर जो है अभी थोड़ा सा और समय दीजिए, एक बार फॉर्म आ जाए उसका विस्तृत अध्ययन कर लें तो कर लें। तो आप लोग जून में 10 जून तक फॉर्म भरने के लिए तैयार रहे, और अक्टूबर में परीक्षा के लिए तैयार रहे, और दिसंबर में फिजिकल के लिए तैयार रहे। एकदम स्पष्ट है कि ये हो जाएगा। तो इस जबरदस्त वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टारगेट विद्यालय ऑनलाइन टीम के साथ बैच प्रारंभ हो रहा है। 3 जून से आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। जल्दी से जुड़िए, लगातार एडमिशन हो रहे हैं, बहुत सारे सदस्य एडमिशन ले रहे हैं। कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं, यह हमारे नंबर है काउंसलर सदस्यों के, इन पर फोन करके आप जो है अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा निशुल्क टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपसे बताया था कि रीजनिंग में कैसे आपको तैयारी करनी है, किन टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके 4850 प्रश्न बन जाते हैं, और रीजनिंग तैयार करने की सटीक रणनीति क्या हो, मैं एक और अभी वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा जिसमें रीजनिंग तैयार करने की सटीक रणनीति, किन किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम बहुत बेतरतीब दिया गया है, तो उन टॉपिक्स को मैं सब टॉपिक्स को मेंशन कर दूंगा। उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना शुरू कर दीजिए, भले ही आप घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हो, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, वहीं से आपको 4850 रीजनिंग के प्रश्न मिल जाएंगे। सिलेबस में कंफ्यूज मत होइए, रीजनिंग का सिलेबस 3-3 जगह दिया गया है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत, और रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स भी स्पेसिफिक है कि करंट अफेयर्स में भी यूपीपी में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग और करंट अफेयर्स की संपूर्ण जानकारी मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा, जल्दी ही आपको ब्रीफ करूंगा, जिससे आपको एक सही दिशा मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, नमस्कार।